so today we will see the types of complex numbers so there are three types of complex number number one is cartesian form which is in the form of x plus iy where x is the real part and y is the imaginary part so then second number is second form is polar form which is uh, denoted uh, written as r times cos theta plus i sine theta obviously r cos theta is the real part and r times sine theta is the uh, imaginary part and then there is a third form of uh, or third types of complex number that is exponential form which is written as r into e to the power i theta so uh, we will solve some problems related to these three types of complex numbers so first problem is express in polar form that is 1 minus 2 root 2 plus i ये जो हमारा दिया हुआ है इसको हम लोग को पोलर फॉर्म में चेंज करना है ये जनरली हमारा क्या दिया हुआ है कार्टेजियन फॉर्म में दिया हुआ है और इस कार्टेजियन फॉर्म को हमको चेंज करना है पोलर फॉर्म में दैट मीन्स इस फॉर्म से हमको इस फॉर्म में चेंज करना है तो वी हैव टू फर्स्ट यूज द सम रिजल्ट एंड द रिलेशन बिटवीन कार्टेजियन फॉर्म एंड द पोलर फॉर्म सो फर्स्ट वी विल इक्वेट बोथ द इक्वेशंस सो कार्टेजियन फॉर्म को पोलर फॉर्म से इक्वेट करेंगे सो कार्टेजियन फॉर्म हमारा दिया हुआ है एंड पोलर फॉर्म हमारा होता है आर कॉस्टा प्लस आई साइन थीटा सो इफ वी कंपेयर द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट व्हाट इज द रियल पार्ट विच इज़ नॉट इन आई टर्म्स एंड इमेजिनरी पार्ट विच इज़ मल्टीप्लाइड विद द आयोटा टर्म सो वन माइनस रूट टू वन माइनस रूट टू इज इक्वल टू आर कॉस्टा And one uh, R sine theta is equal to one. Now we have have to first find the value of R. So, squaring and adding both equation one and two. So in the left hand side we have R square, cos square theta plus R square sine square theta. Now taking R square as a common, so we have R square cos square theta plus sine square theta, and here one minus root two square plus one plus square. So it is a minus b square plus b square. So कॉस स्क्वायर ठीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है वन होता है सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस टू रूट टू प्लस टू प्लस वन तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू प्लस वन प्लस वन दैट इज फोर फोर माइनस टू रूट टू सो आर का वैल्यू हो जाएगा रूट ऑवर फोर माइनस टू रूट टू ना फिर नेक्स्ट हमको फाइंड करना है कॉस्ट सो कॉस्ट ठीटा यहाँ से अगर हम लोग देखें कॉस्ट इज इक्वल टू इक्वेशन वन से वन माइनस रूट टू डिड बाई आर सो वन माइनस रूट टू डिड बाई आर आर का वैल्यू हम लोगों ने ये फाइंड किया सो वन माइनस रूट टू डिड बाई रूट ओवर फोर माइनस टू रूट टू नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन टू साइन थीटा इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई आर सो वन डिडेड बाई आर सो वन डिडेड बाई रूट ओवर फोर माइनस टू रूट टू सो पोलर फॉर्म हमारा क्या होता है पोलर फॉर्म होता है आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा सो फर्स्ट आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे सो रूट ओवर फोर माइनस टू रूट टू

सो so, मान लेते हैं लेट ए प्लस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज गिवन बाय एक्स प्लस आई वाई सो वी कैन राइट इट एज चूंकि इसका स्क्वायर रूट ये है तो रूट ऑफ हर ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स नो स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड के इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर रूट का टर्म है सो so, हमारा ये टर्म हो जाएगा ए प्लस आई बी और राइट हैंड साइड में हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर सो ए प्लस आई बी एंड देन ये हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं माइनस वन होता है तो ए प्लस आई बी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट रियल और इमेजनरी पार्ट को हम लोग यहाँ पे इक्वेट करने जा रहे हैं सो so, ए के जगह पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर एंड बी के जगह पर हो जाएगा टू एक्स वाई नो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है तो हमको एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइन करना है तो एलजेबरा का फ्राइड फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो so, ये तो यहाँ सेम टू सेम रहा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर जगह पे हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर और फोर एक्स एक्स वाई वाई स्क्वायर के जगह पे हमारा हो जाएगा सिंपली बी स्क्वायर सो क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है ए सो ए का स्क्वायर यहाँ ए का स्क्वायर हो गया और फोर एक्स वाई स्क्वायर दैट इज टू एक्स वाई का होल स्क्वायर दैट इज बी का स्क्वायर सो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एडिंग थ्री एंड फाइव इक्वेशन नंबर थ्री एंड फाइव को ऐड करेंगे सो ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर थ्री एंड फाइव को ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सो so ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस ए ए प्लस रूट ऑवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑवर ए प्लस रूट ऑवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू इसी तरह से जब दो इक्वेशन नंबर थ्री एंड फाइव को जब हम लोग सप्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई के स्क्वायर वैल्यू निकल जाएगा जो ए माइनस रूट ऑवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू इस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं नाउ द एक्सपोनेंशियल एंड सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देर आर सम रूल्स एंड सम फार्मूलाज यहाँ पर सिर्फ हम लोग को फार्मूलाज याद रखना है जो हम लोग आगे जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल्स में इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे सो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज डिमोर्स थियर से हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में टू इवर आई थीटा सो सिमिलरली सिरली टू दावर आई जेड को हम लोग लिख सकते हैं कॉस जेड प्लस आई साइन जेड इस तरह से टू पावर माइनस आई जेड अगर हो जाए तो ऑब्वियसली जेड के जगह माइनस लिखना होगा तो कॉस माइनस जेड प्लस आई टाइम्स साइन माइनस जेड हम लोग जानते हैं कॉस माइनस ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू होता है प्लस माइनस ऑफ थीटा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई साइन जेड सो इवर माइनस आई जेड इज इक्वल टू कॉस जेड माइनस आई साइन जेड अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें प्लस करें और एक बार माइनस करें कॉस जेड का वैल्यू हो जाएगा प्लस e e इस दोनों से सॉल्व ने सॉल्व किया है ऐड करने से हमारा ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा तो कॉस जेड का वैल्यू निकलेगा सब करने से पावर आई जेड प्लस माइनस आई जेड डिवाइडेड बाई टू एंड साइन जेड इज इक्वल टू टू दावर माइन आई जेड माइनस आई जेड डिवाइडेड बाई टू आई ठीक है सो डीमार्वर्स थ्योरम भी हम लोग इसमें देख लें कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा सो एफ एन इज ए फ्रैक्शन देन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस इसका एक वैल्यू हमारा होगा जो कॉस एनथीटा प्लस आई साइन थीटा को सेटिस्फाई करेगा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सो अभी जो हम लोगों ने देखा जेड के जगह पे अगर हम लोग इज इक्वल टू टू दी पावर आई थीटा प्लस माइनस थीटा माइनस आई आई डिवाइडेड बाई टू आई होता है ये दोनों फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हाइपरबोलिक फंक्शंस में भी इसको हम लोग यूज करेंगे सो हाइपरबोलिक फंक्शंस को भी हम लोग देख लें सो व्हाट इज साइन हाइपरबोलिक एक्स सो साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हाइपरबोलिक फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग टॉपिक है हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट को यहाँ देख ले रहे हैं क्योंकि ये रि रिज़ल्ट आगे के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रॉब्लम्स में या फिर उसके फर्दर डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग इसको इस फॉर्मुलेस को यूज करेंगे साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म आएगा उसी तरह से कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म आएगा ये सिंपल सिंपल रिजल्ट है उसी तरह से सिक्सरबोलिक एक्स हो जाएगा वन बाई कॉस दैट इज टू डिड बाई दावर एक्स प्लस इट दावर माइनस एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा वन बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स दैट इज टू डिवाइड बाई टू दावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अगर दोनों को हम लोग ऐड कर दें साइन हाइपरबोलिक प्लस कॉस हाइपरबोलिक तो दोनों के रिजल्ट को ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमारा वैल्यू आएगा ए टू द पावर एक्स दोनों को अगर सप्ट्रैड करें कॉस हाइपरबोलिक माइनस साइन हाइपरबोलिक तो सॉल्व करने से हमारा वैल्यू आएगा ई टू माइनस एक्स उसी तरह से नाइन्थ में कॉस हाइपरबोलिक प्लस साइन हाइपरबोलिक थ्योरम यूज करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक एन एक्स हमेशा याद रखना है कि हाइपरबोलिक में हाइपरबोलिक को पहले लिखते हैं उसके बाद फिर एंगल्स के फॉर्म को चेंज हम लोग करते हैं देन साइन हाइपरबोलिक एनएक्स देन रिलेशन बिट्वीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन तो साइन आई एक्स इज इक्वल टू तो आई टाइम साइन हाइपरबोलिक एक्स sine hyperbolic i x is equal to i sine x sine i x is equal to cos hyperbolic x and cos hyperbolic i x is equal to cos x similarly tan i x is equal to i tan hyperbolic x and tan uh, i x is equal to i tan x नेक्स्ट सम फॉर्मूलाज रिलेटेड टू फार्बोलिक हाइपरबोलिक फंक्शन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन टिक्नोमेटिकल रूल्स में हम लोग इसको देख चुके हैं साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स एंड देन नंबर थ्री कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस वन देन एड मल्टीपल एंगल्स के फॉर्म में साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक कॉस एच वाई हाइपरबोलिक वाई प्लस अगर प्लस साइन रहेगा तो प्लस माइनस रहेगा तो माइनस सिमिलरली कॉस के टर्म्स में इस तरह से लिख सकते हैं टेन के फॉर्म को इस तरह से लिख सकते हैं जब अगर प्लस होगा तो प्लस का टर्म यूज़ करेंगे माइनस होगा तो माइनस का टर्म यूज़ करेंगे सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स उस तरह से कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स का ये फॉर्मूला होता है दैन कॉस हाइपरबोलिक टू एक्स का वन प्लस टू मतलब जो टिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला था सेम है लेकिन यहाँ हाइपरबोलिक के सम में तो कुछ चेंजिंग है प्लस का माइनस माइनस का प्लस कुछ चेंजेस है जिसको हम लोग को यहाँ पर ये सारे फार्मूलाज को याद कर लेना है टेन हाइपरबोलिक टू एक्स इज इक्वल टू टू टेन हाइपरबोलिक एक्स वन प्लस टेन इसको हाइपरबोलिक एक्स एंड देन एड के फॉर्म में जैसे हम लोग साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी लेते थे उसी तरह से ये रिजल्ट हमारे हैं तीनों की चारों के लिए जिसको हम लोग करके इसको ये देखेंगे तो इस हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये प्रॉब्लम्स सॉल्व किया जा सकता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे सो प्रॉब्लम डिस्कस कर लें कि ये सारे चारों प्रॉब्लम्स जो हम है हम लोग को प्रूफ करने हैं नंबर वन है कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स नंबर टू में है इफ टेन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा देन प्रूव दैट दिस थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर एन फाई इज इक्वल टू वन बाई टू लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस अल्फा बाई टू सारे जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसी सारे फार्मोलाज को हम लोग यहाँ यूज करेंगे Number three, if u is equal to log tan pi by 4 plus uh, theta by 2, then prove that tan hyperbolic u by 2 is equal to tan theta by 2. And number four, if cos hyperbolic x is equal to sec theta, then prove that theta is equal to pi by 2 minus 2 tan inverse e to the power x. And number two, tan hyperbolic pi by 2 is equal to tan theta by 2. So these four problems. पहले सॉल्व करें और देन सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्लास में इसके हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे किक करके कि चारों प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं